बच्चों आज हम पढ़ेंगे लेसन 22 मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन होता क्या है पहले हम ये जान लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, मतलब जब हम किसी भी नंबर को बार 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 ऐड करते हैं उसी को हम बार बार ऐड ना करके जो नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है उस नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो उसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये जस्ट कुछ नहीं होता, जस्ट रिपीटेशन ऑफ क्या होता है एडिशन। अब देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 4। ये पता है ना इसको इंटू या मल्टीप्लाई का साइन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, रिपीटेशन होता है किसका, एडिशन का। यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर लिखा हुआ है 5, कितनी बार हम उसको ऐड करेंगे, 4 बार ऐड करेंगे। तो 5 + 5 + 5 + 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 20। या 4 लिखा हुआ है 4 × कितना इंटू लिखा हुआ है 5, तो हम या तो 4 को 5 बार ऐड करेंगे या 5 को 4 बार ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 + 4 + 4 + 4 + 4 दैट इज आंसर क्या है 20। और इवन अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 × 5 कितना होता है 20 होता है। तो इससे हमें ये चीज क्लियर होता है कि मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं बस क्या है, रिपीटेशन ऑफ एडिशन। एडिशन को जब हम रिपीटेटेड वे में लिखते हैं तो वही मल्टीप्लिकेशन होता है। नाउ हम कुछ क्वेश्चन से समझते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए यहाँ पे 4 को कितनी बार ऐड किया, हमने काउंट करा पहले कौन सा नंबर ऐड हुआ है बार बार, तो हमने देखा कि 4 जो है वो बार बार ऐड हो रहा है, राइट। 1 + 2 + 3 + 4 देखिए यहाँ पे कितनी बार ऐड हुआ है 4, तो 1 2 3 4 5 6 बार हुआ। तो क्या लिखा, कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 4 हो रहा है। कितनी बार हुआ, 6 बार, तो हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा के लिख दिया 6 बार। तो ये हमें आसान हो गया ना, हम 4 को अगर बार बार ऐड करेंगे उसके हमने क्या करा कि 4 जितनी बार ऐड हो रहा है उतना हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 × 6 ये हमारे लिए क्या हो गया, आसान हो गया। तो फिर हमने यहाँ से क्या देखा कि एडिशन पर रिपीटेशन ऑफ एडिशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। इधर पे देखिए एक और क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 7 नंबर रिपीट हो रहा है, हमने 7 लिखा। कितनी बार रिपीट हुआ वो 7, 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो 7 × 5 कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 2 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हुआ, 1 2 3 4 टाइम्स, तो 2 × 4, तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ बेटा, 4 टाइम्स हो रहा है। अब इसी का हम उल्टा लिख के चल रहे हैं, हम क्या लिख के चल रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में भी दिया हुआ है, ये मल्टीप्लिकेशन में दिया आपको 7 × 6, तो हमने देखा पहला नंबर क्या है हमारा 7, हमने 7 कितनी बार लिख रहा है, 7 को ऐड करते हुए 6 टाइम्स, तो 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 हम इसको 6 टाइम्स लिख देंगे। इधर देखिए बताइए आप यहाँ पे कौन सा नंबर दिया हुआ है, 4 दिया है, 4 को हम कितनी बार ऐड करेंगे, 5 बार ऐड करेंगे। Now we will going to learn about the properties of multiplication. The first property is First property is 4 multiply 0 is equals to 0. मतलब 4 से अगर हम 0 का multiply करेंगे या किसी भी number का 4 0 से अगर multiply करते हैं तो answer हमारा 0 ही आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 × 0 is equals to 0, मतलब नंबर क्या है 6 का मल्टीप्लाई किया हमने 0 से तो आंसर क्या है हमारा 0। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, व्हाट इज सेकंड प्रॉपर्टी, 7 × 1 इज इक्वल्स टू 7, मतलब किसी भी नंबर का अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें वही नंबर मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे 7 × 1 इज इक्वल्स टू 7, 8 × 1 इज इक्वल्स टू 8, आप पढ़ते ना टेबल में भी 8 × 1 इज इक्वल्स टू 8, इज दैट क्लियर।
नाउ इधर देखिए यहाँ पे हम थ्री का मल्टीप्लाई पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं, तो कहाँ से करेंगे हम थ्री का मल्टीप्लाई बेटा? पहले हम करेंगे थ्री, थ्री सिक्स का एटीन, एटीन का एट, कैरी ओवर वन, एटीन का एट, हम जो पीछे वाली डिजिट रहेंगे उसको लिखेंगे और कैरी ओवर वन करेंगे आगे. नाउ थ्री फोर का ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस वन थर्टीन, थर्टीन का थ्री, एंड अगेन कैरी ओवर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? वन आ जाएगा. नाउ अगेन थ्री थ्री का नाइन, नाइन प्लस वन कितना हो जाएगा? टेन हो जाएगा. तो हमारे ये आंसर आ जाएगा. क्लियर? बहुत सिंपल है. अगर आपको पेपर आती है तो आप ये बहुत ईजी करेंगे. एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे. ये देखिए फोर टू जा एट, एट. नाउ फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व का टू, कैरी ओवर वन. अगेन फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन प्लस वन सेवेंटीन. तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा हमारा? सेवेंटीन. इतना आपको समझ में आ गया होगा. हम इसका थोड़ा सा हाई लेवल का पढ़ते हैं यहाँ पे. अब देखिए यहाँ पे पहले हमने सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई किए थे नंबर को, अब यहाँ पर हमने क्या लिया है? टू डिजिट नंबर लिया है. देखिए यहाँ पे फोर, अब हम पहले क्या करेंगे, जो सबसे पीछे वाला नंबर है ट्वेंटी फोर में, फोर इसका मल्टीप्लाई हम तीन तीनों नंबर से करेंगे. ठीक है, ध्यान से देखिएगा. फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, तो हमने एट लिख दिया. अब फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन का सिक्स, हमने क्या लिया? वो वन ले लिया. ठीक है, नाउ अब यहाँ पे फोर फाइव सा ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन होता है, तो हमने ये लिख दिया. क्लियर हुआ ये चीज? आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए आगे प्रोसीड नहीं करेंगे. नाउ अब हम किसका टू का मल्टीप्लाई करेंगे तीनों नंबर से. देखिए कैसे कर रहे हैं. उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस लगता है बेटा लास्ट वाले डिजिट के नीचे, जहाँ सेकेंड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. ये चीज हमेशा याद रखना. देखिए यहाँ पे टू इंटू टू, तो टू टू सा फोर, हमने फोर लिख दिया. अगेन टू फोर सा एट, हमने एट लिख दिया. एंड टू फाइव सा टेन, तो यहाँ पर टेन. अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पे प्लस. अब हमने इनको प्लस किया तो एट, इसको मान समझिए कि जीरो है, तो एट का एट ही आ गया. सिक्स प्लस फोर टेन होता है, टेन का जीरो, कैरी ओवर यहाँ पे क्या आ गया हमारा? वन आ गया. ठीक है, नाउ एट प्लस नाइन, एट प्लस वन कितना होगा? नाइन. नाइन प्लस वन कितना होगा? टेन. टेन का जीरो, अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरी ओवर वन हो जाएगा. ठीक है, अब टू प्लस वन थ्री, और थ्री प्लस वन, टू प्लस वन थ्री, थ्री प्लस जीरो, तो थ्री आ जाएगा. क्लियर है ना ये चीज़ें? और वन का वन, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. देखिए यहाँ पे जो हम जिसको मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड. ध्यान से सुनिएगा, जिसको मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेट, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर. क्लियर? एंड जो फाइनल आंसर आता है उसको हम बोलते हैं बेटा प्रोडक्ट. क्या बोलते हैं उसको? प्रोडक्ट बोलते हैं. इज दैट क्लियर? थैंक यू. जो कि मल्टीप्लीकेशन में हम वर्ड प्रॉब्लम देख रहे हैं. फर्स्ट क्या बोल रहे हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट अगर रुपीज एट है, then what is the cost of five pens? तो पांच पेन की कॉस्ट कितनी होगी? ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है. हम आंसर कैसे करेंगे? तो यहाँ पर लिखा है द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज रुपीज एट. एक पेन की कॉस्ट कितनी है? आठ रुपए है. तो therefore the cost of five pens, the five pen की कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो क्लियर समझ में आया, क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, राइट? हमें एक की वैल्यू पता है और हमें उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने, जितने पेन और खरीदे हमने, तो हमने पांच पेन और खरीदे, तो एट फाइव से क्या हो जाएगा? फोर्टी हो जाएगा. एट फाइव से फोर्टी,